आज आपका वर्कशीट 2 चैप्टर 11 क्लास की हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं थर्ड। वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 75। देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एक एंगल दिया हुआ है 75। ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, बाकी आपको सारे एंगल निकालने हैं। तो गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 75 और फाइंड आउट करना है एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब हमें पैरेलल एंगल निकालने के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक एंगल तो निकल आया ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो सी भी हमारा 75 आ गया। अब एक प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, बाकी एंगल निकालने के लिए हम और प्रॉपर्टी देखेंगे। और हमें पता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी इन दोनों का सम 180। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो उसकी वजह से ये आ गए आपके इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और उनका सम 180 होता है। अब इससे हमारा एंगल डी भी निकल आएगा 180 माइनस 75। कैलकुलेशन भाई चेक कर लिया करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, मेथड बिल्कुल सही है। और अब आपका बी और डी निकल आएगा, क्यों? बी इज इक्वल टू डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पूरी स्टेटमेंट ले लेना, जो आपका डी होगा वही आपका बी होगा। तो अब आपके सारे एंगल पैरेललोग्राम के निकल आए। फोर्थ और फिफ्थ, देखो पहले फिफ्थ हम डिस्कस करें। एक्सटीरियर एंगल पैरेललोग्राम का 110 है, इसमें क्या दिया है आपको, एक्सटीरियर एंगल देखो ये दिया है 110 और हमें पता है एंगल 1 प्लस 110 180, क्यों? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से मैं एंगल 1 निकाल लूंगी, ये आ गया 70 डिग्री, ये एंगल 1 आपका कितना आ गया 70 डिग्री। ओके, तो अब ये यही क्वेश्चन बन गया आपका क्वेश्चन थर्ड। एक एंगल आपको दिया हुआ है और आपको बाकी सारे फाइंड आउट करने। नाउ क्वेश्चन, दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन, अब हम फोर्थ डिस्कस करेंगे। देखो फोर्थ में क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो दे रखी है 1:5। अब ये जो है इसमें हमें रेशियो दे रखी है 1:5, यानी एक एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, तो एक एंगल एक्स हो गया और दूसरा हमारा हो गया 5x। अब हम क्या लॉजिक लेंगे, सेम ऊपर वाला ही लॉजिक, एंगल ए प्लस एंगल डी 180, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 6x 180, x आ गया आपका 30, तो ये एंगल 30 हो गया और ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 5 150। और इसके बाद हम लॉजिक लेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।